अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। साइफर केस, बानी पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। मुलजिमान ने चालान की कापियां तकसीम, मुलजिमान ने चालान नकुल वसूल कर ली। आइंदा समाज पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जेल में मुझसे कोई मिला ना किसी ने कोई मुजाकरात किए, लिख कर देता हूँ इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। बानी पीटीआई कहते हैं नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए, जेल में रहने से फर्क नहीं पड़ता, जान देने को तैयार थे। किसी ओहदे की जरूरत नहीं, कप्तान के साथ कल भी था आज भी हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने भी दो टोक बता दिया। साबिक वाइस चेयरमैन पीटीआई बोले जो कानून की हुक्मरानी से मोहब्बत करते हैं और नजरियाती हैं वो वोट जरूर डालें। इंतखाबात में आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कामयाबी मिली तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। एक बार फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उम्मीद है लेकिन यकीन नहीं आ रहा। एमकेएम रहमा खालिद मकबूल सदीकी बोले अगर शिफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सिंध को तकसीम किया जा चुका है, अब बस ऐलान होना ही बाकी है। आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम रिलीज ना करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने का फैसला। आइंदा आम इंतखाबात के लिए फंड की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना भी इलेक्शन कमीशन में तलब। दो आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं, दोनों दरख्वास्तों को समाप्त के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकॉज का जवाब, काफी 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। सीपैक के जरिए ग्वादर और बलोचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे निकल आए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकरीर से खिताब। कहते हैं सीपैक की बरकत से ही तमाम आसानियां पैदा हुई, अब तरक्की का ये सफर वापस नहीं आएगा। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा, चेयरमैन नैब का तकरीर से खिताब। नज़ीर अहमद कहते हैं नैब से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ चोरों को ही पकड़ना है। परवेज इलाही मोना सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, अदालत की डायरेक्टर FIA को मोना सिलाही की इश्तिहारी कार्रवाई की निगरानी करने की हिदायत। अदालत ने मुकदमे की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इसराइली दहशतगर्दी ना थम सकी, सहूनी फोर्सेस ने जबालिया कैंप और खान यूनिस पर बमबारी कर दी। 400 से ज़ायद हमलों में 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके, शोहदा में बच्चे भी शामिल, शोहदा की तादाद 16,000 से मुतजावज़। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया सीख पा, अमरीका में भी आवाज़ें जोर पकड़ने लगीं। निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती के लिए व्हाइट हाउस के सामने मिलियन मार्च, शुरका के इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी जजबंदी का मुतालबा। लेकिन शीशा बीच में था, शीशे के बगैर उन्होंने मिलने की इजाज़त नहीं गई, नहीं दी, ना उन्होंने हाथ पकड़ने की या किसी किस्म के टच करने की। पहले से अलग कमरे में आफिया थी, अलग कमरे में मैं थी, पहले से मेज़ जो थी उसका साइज़ कम था, थोड़े से करीब फासले पे थी मैं। डॉक्टर आफिया सदीकी से बहन की अमेरिका की जेल में मुलाकात, डॉक्टर आफिया सदीकी की हालत मजीद ख़राब। फौजिया सदीकी कहती हैं डॉक्टर आफिया की हालत देखकर दिल खौफज़दा है, आफिया सदीकी को एक बार फिर उसी हालत में छोड़ आई थी। अमरीकी रियासत में अहम मुकाम रखने वाले पाकिस्तानी एडम आज़म के साथ एक निशस्त का अहतमाम किया गया। एडम आज़म स्टेट सेनेटर के इंतखाब के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बाबर आज़म टीम प्लानिंग में शान मसूद की मदद कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई अपसेट नहीं होगा। सरफराज अहमद ने बता दिया, कहते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी हैं, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे।